हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हर्ष टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने Redmi Note 4 के कैमरे को क्वालिटी को उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारा Redmi Note 4 में कैमरा है वो 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। जी हाँ, लेकिन उसमें MIUI 8 में जो है वो उसको रोकता है उसके कैमरे को अपना फुल यूज़ करने से, पता नहीं क्यों, पर जी हाँ ऐसा है। तो आज मैं आपके लिए दो ऐप लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं बेटर क्वालिटी में और 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने Redmi Note 4 के कैमरे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कैमरे का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये पहला कैमरा देख सकते हैं, मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके थोड़े सैंपल्स उसमें दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें फ़ोटो देखने को मिल जाती है क्वालिटी। तो आपको कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर दिखेगा उसके स्टॉक कैमरे में और जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसके कैमरे में। इसके साथ ही आपको एक और ऐप, दो ऐप का मैंने लिंक दिया है, एक गूगल कैमरा है और एक सिंपल दूसरा कैमरा है। तो ये गूगल कैमरा है, ये आपकी 4K वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करता है। जी हाँ, आप इससे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने Redmi कैमरा के फ़ोन से। तो आप देख सकते हैं बैक कवर रिकॉर्डिंग 4K HD एंड HD 720p, तो आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और मैं जैसे ही आपको सेटिंग बता रहा हूँ आप उसमें सेटिंग चेंज कर लीजिए। वैसे कुछ ज़्यादा सेटिंग चेंज करने की इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है गूगल कैमरा में। तो आप देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप टैप टू फोकस या ऑटो फोकस में भी इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी आपको इम्प्रूव होकर मिलेगी इसके स्टॉक कैमरे से। अगर मैं आपको इसमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी, और मैं अभी आपको टैप करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो गई है। तो मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपके कौन से रेशियो में ये रिकॉर्ड हुआ। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज करके आपको इधर डिटेल्स में जाके इसका भी दिखाता हूँ कि ये कौन से में हुआ है। तो आप डिटेल में भी यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ इसका 8840x2160 और इसकी फाइल साइज 48 MB है, सिर्फ 0.10 सेकंड की वीडियो है ये। तो ये 4K में रिकॉर्ड हुई है इसलिए इसकी इतनी अच्छी साइज है। एक दूसरा कैमरे का ऐप मैंने दिया है जो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने के लिए बेटर है। तो ये आपको फ़ोटो क्लिक करना होगा इसमें से, तो आप फ़ोटो इसमें से क्लिक करिए। तो इसमें भी आप सेटिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी आप 100% और वहाँ पे आप कैमरे का 13 MP और वीडियो साइड फुल HD। इसमें आप अगर स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करने जाएंगे तो इसमें नहीं होती है। स्लो मोशन के लिए आपको अपना खुद का ही स्टॉक कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसमें टैप टू फोकस या ऑटो फोकस दोनों में आप इसमें वर्क करता है। तो ये एक कैमरे का ऐप है, आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये इसके Redmi में ही कुछ प्रॉब्लम है उसके MIUI 8 में कि वो कैमरे को फुली यूज़ नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ये फिक्स हो जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इन कैमरे को यूज़ कर सकते हैं और अपना कैमरे को फुली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। तो अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप गूगल कैमरा के ऐप से कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप सिर्फ गूगल कैमरा भी डाउनलोड कर लीजिए, वो और वीडियो और कैमरे के लिए दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन जो मैंने दूसरा ऐप दिया है वो कैमरे में ज़्यादा बेटर लगता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको मेरे फ़ोन में लगा हुआ कवर अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Then you have